हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन लॉ लॉबीटर्स यूट्यूब चैनल सो पिछले वीडियो में हमने क्रिमिनोलॉजी के डेफिनेशन नेचर स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस को समझा था एंड आज हम फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे विच इज़ फर्स्टली मेथड्स ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल स्टडीज एंड सेकेंडली फ्यूचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी विद रेफरेंस टू पीस मेकिंग पोस्ट मॉडर्न एंड फेमिनिज्म सो बेसिकली वी आर हैविंग एट मेथड्स ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल स्टडीज फर्स्टली साइंटिफिक मेथड सेकेंड हिस्टोरिकल मेथड थर्ड कंपेरेटिव मेथड फोर्थ स्टैटिस्टिकल मेथड फिफ्थ प्राइग्नोस्टिक मेथर्ड सिक्स केस स्टडी सेवेंथ प्रोफलैक्टिक मेथड एंड एथ एंड एक्सपेरिमेंट सो वी विल डिस्कस ऑल दीज मेथड्स वन बाय वन इन डिटेल सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेथड होता क्या है तो मेथड एक तरह से एक प्लानिंग होती है रिसर्च होती है जिसमें कि बार बार टेस्टिंग करके किसी फिनोमिना या फिर किसी पाथ के बारे में कोई फिलोसफिकल साइंटिफिक पॉलिटिकल या फिर प्रैक्टिकल रीजन क्या था क्राइम करने का इसका कॉन्क्लूजन ड्रॉ किया जाता है और इसी को हम मेथड ऑफ स्टडी क्रिमिनोलॉजी कहते हैं नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट मेथड दैट इज़ आर साइंटिफिक मेथड सो साइंटिफिक मैथड वैसा ही होता है जैसे कि हम यूजुअली अपने स्कूल डेज में प्रैक्टिकल्स में करते हैं वेदर बी एड इन केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी एक्सेट्रा बेसिकली ये जो साइंटिफिक मेथड होता है ये जनरली बेस्ड होता है पांच चीज़ों पर फर्स्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सेकेंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट जो कि एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड थ्योरी के बेसिस पे किया जाता है थर्ड डेटा कलेक्शन जिसको कि वेरियस मेथड्स लाइक सर्वेज इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कर सकते हैं फोर्थ डेटा एनालिसिस जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना एंड फिफ्थ ड्राइंग कंक्लूजनस जो कि बेस्ड होता है डेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स पे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब कोई पर्सन किसी का मर्डर करने की सोचता है तो वो पहले उसकी प्लानिंग करता है कि वो क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेगा किस टाइम पर मर्डर कमिट करेगा किस तरह से मारेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा और इसका जो कंक्लूजन क्या होता है दैट इज़ डेथ तो इसमें जो साइंटिफिक मेथड होता है वो ये रिसर्च करता है कि आखिर मर्डर किस इंस्ट्रूमेंट से किया गया कितनी बार बार किया गया इंस्ट्रूमेंट कहाँ से लाया गया मर्डर कमिट करने की वजह क्या थी एक्सेट्रा तो ये जितना भी रिसर्च होता है शुरू से एंड तक जो कॉन्क्लूजन्स आता है उसे ही हम साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज हिस्टोरिकल मेथड दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव मेथड दिस मेथड डिस्क्राइब्स अ सर्टिन रिसर्च ऑब्जेक्ट ऑफ फिना इन इट्स हिस्टोरिकल डायमेंशन और टाइम सिक्वेंस अब हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता था कुछ प्री हिस्टोरिकल जजमेंट्स होते हैं या फिर कुछ प्री डिसाइडेड केसेस होते हैं फॉर एग्जाम्पल किंग्स के टाइम पर चोरी की जो सजा होती थी वो अपराधी के हाथ कटवाना होती थी जिससे कि एक फियर डेवलप होता था इन द कल्परेट सो इन सबके जो स्टडीज होती हैं वो हिस्टोरिकल मेथड में आ जाती हैं नेक्स्ट वी हैव हेअर इज कम्पेरेटिव मेथड कंपेरेटिव मेथड कंपेयर्स टू और मोर फिन विद अ फाइनल गोल टू फाइंड सर्टिन कनेक्शन और डिसिमिलैरिटीज बिटवीन दें तो ये जो कंपैरेटिव मेथड है ये कंपेयर करता है डिफरेंट सोसाइटीज़ को या डिफरेंट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी क्या डिफरेंसेस थे जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू क्रिमिनल बिहेवियर फॉर एग्जांपल टू पर्सनस हैं दो पर्सन हैं और इन दोनों ने ही मर्डर कमिट किया था तो ये कंपेरेटिव मेथड में ये कंपेयर किया जाएगा कि क्या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस थे क्या क्या इनके नेचर में डिफरेंसेस थे सोसाइटी में क्या डिफरेंस था और कैसा वहाँ का नेचर था तो ये सब जो भी चीज़ें हैं वो देखी जाती है इन द कम्पेरेटिव मेथड नेक्स्ट वी हैव साइकोलॉजिकल मेथड विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस बिहेवियर ऑब्जर्वेश्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर ऑफ डेलिंगस सो साइकोलॉजिकल मेथड बेसिकली फोकस्ड होता है एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को स्टडी करने में जिसकी वजह से वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंगेज होता है फॉर एग्जाम्पल साइकोपैथी ये एक तरह का पर्सनल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से एक पर्सन में एंटी सोशल बिहेवियर पाया जाता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिसर्चर्स ने ये पाया कि जिन इंडिविजुअल्स के अंदर ऐसे साइकोपैथिक ट्रेट्स मौजूद होते हैं दे आर मोर लाइकली टू एंगेज इन क्रिमिनल बिहेवियर दैन दो विदाउट दीज ट्रेट्स एनअर एग्जाम्पल वी कैन टेक इज कि रिसर्च में ये पाया गया है कि जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके ऊपर चाइल्डहुड में किसी तरह का ट्रॉमा इन्फ्लिक्ट किया गया हो उन्हें कोई सदमा लगा हो तो ऐसे लोगों की भी बाद में क्रिमिनल बिहेवियर में इंडल्च होने की जो संभावना होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है नेक्स्ट मूविंग आउट टू द फर्दर मैथड वी हैव इज स्टैटिस्टिकल मेथड क्राइम कैन बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज यूजिंग वेरियस एट्रीब्यूट कंसेप्चुअल टेम्पोरल एंड टेरिटोरियल सो ये जो मेथड होता है स्टैटिस्टिकल मेथर्ड इसे हम एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं नंबर वन वी हैव योर इज कॉन्सेप्शुअल दैट इज नेम ऑफ एनालाइज्ड फिनोमिना फॉर एग्जाम्पल कि पॉवर्टी में और क्राइम रेट्स में क्या रिलेशनशिप है इन अ स्पेसिफिक एरिया देन टेम्पोरल मतलब कि टाइम पीरियड क्या है क्राइम के अकर होने का वेदर इट इज़ वन ईयर सिक्स मंथस और वन मंथ एंड नेक्स्ट इज़ टेरिटोरियल मतलब कि ज्योग्राफिकल लोकेशन जहाँ पर अपराध हो रहा है वेदर इट बी टाउन कंट्री रीजन और ग्लोबली क्राइम को इन अलग अलग एट्रीट्यूट्स में तोड़कर जो इसका नेचर है प्रकृति है और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस डिफरेंट पॉपुलेशन एंड ज्योग्रफिकल लोकेशन इसकी बेहतर समझ हासिल करना संभव हो जाता है पॉसिबल हो जाता है नेक्स्ट वी हैव यज क्लीनिकल मेथड दिस मैथड इज़ यूज इन साइकोलॉजी Psychology mostly researches normal behaviors, but a specialized field in psychology known as clinical psychology researches mental health disorders, that is dangerous behaviors. तो so, ये yeah, clinical method mostly psychology में इस्तेमाल किया जाता है। Psychology generally सामान्य मानव व्यवहारो, normal human behaviors और उनके मानसिक प्रक्रियाओं, that is mental processes पर केंद्रित होता है। बट एक स्पेशन साइकोलॉजी जैसे कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं जो कि बिहेवियर्स एंड मेंटल कर सकते हैं एक्सेट्रा नेक्स्ट वी हैसो केस स्टडी इज वन ऑफ द बेस्ट डिटेल एवर इंट्रोड्यूस इन टू साइंस हाउ एवर केस स्टडीज आर डिटेल बट एक्सपेंसिव बेस्ट रिजल्ट एंड साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग द जिमनाइल डिलिंक्वेंसी आर अचीव्ड थ्रू अ केस स्टडी सो जो ये केस स्टडी मेथड होता है वो यूज होता है किसी इंडिविजुअल को किसी ग्रुप को या फिर किसी इवेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दू इन डेप्थ और ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर किसी स्पेसिफिक फिनोमिना या फिर किसी कॉम्प्लेक्स इशू की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनोलॉजी में किसी एक पर्टिकुलर सीरियल किलर का एग्जामिनेशन करना इसमें रिसर्चर्स उनके फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स एक्वेंटेंसेस एक्सेट्रा के साथ एक्सटेंसिव इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं और उनकी अपब्रिंगिंग उनके रिलेशनशिप्स एंड उनके बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं इवन जो रिसर्चर्स है वो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पुलिस रिपोर्ट्स या फिर कोई भी अदर लीगल डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं विच इज़ रिलेटेड टू द केस और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल की क्रिमिनल एक्टिविटीज पर या फिर उसके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिस्पॉन्स uh, पर ओके सो दिस वॉज ऑल विध रिगार्ड्स टू मेथड्स ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल स्टडीज एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू दर टॉपिक दैट इज फ्यूचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी विथ रेफरेंस टू पीस मेकिंग पोस्ट मॉडर्न एंड फेमिनिस्ट कमिंग टू द फर्स्ट दैट इज पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी तो ये जो पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी है ये रिलेटिवली एक न्यू अप्रोच है जो केवल क्रिमिनल्स को पनिश करने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने और सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है फर्स्टली यहाँ पर दो अपोजिंग व्यूज या फिर अप्रोचेस की बात की गई है टुअर्ड्स द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक व्यू एडवोकेट करता है वॉर ऑन क्रिमिनल्स जहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ही एग्रेसिव और दंडात्मक रुख अपनाता है और जो दूसरा व्यू है वो शांति वो नागरिकों के साथ शांति बनाने की वकालत करता है

या फिर उसकी प्रॉपर्टी को सर्च नहीं कर सकते हैं और यह चीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सबूत इकट्ठा करने और संदिग्धों को पकड़ने की क्षमता को सीमित करता है सिमिलरली हमारा लीगल प्रोसीडियस है वो ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि कुछ सर्टेन इंटरोगेशन के टैक्टिक्स या फिर एविडेंस ऑप्टेन करने के मेथड्स कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होंगे जो फर्दर लॉ एनफोर्समेंट के मेथड्स को रेस्ट्रिक्ट करता है विच दे कैन यूज इन परस्यूइंग ऑफेंडर्स the constitution has provisions to protect citizens from over overzealous criminal justice system. for example, indian constitution may various provisions hai, such as right to a fair trial, right to re legal representation, the presumption of innocence until proven guilty, and protection against self-incrimination. additionally, jhuhama constitution hai, that provides for various checks and balances on powers of law enforcement and the judiciary. ताकि इनका दुरुपयोग ना हो सके अब्यूज ना हो सके और ये जो पीस मेकिंग पर्सपेक्टिव है ये एप्लीकेबल है टू फोर लेवल्स ऑफ एनालिसिस नंबर वन इंट्रापर्सनल नंबर टू इंटरपर्सनल नंबर थ्री सोसाइटल एंड नंबर फोर इंस्टीट्यूशनल एंड इंटरनेशनल एंड ग्लोबल हेरोल्ड पेपिस्की एंड रिचर्ड क्वीने एनविजन पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी एज डेवलपिंग फ्रॉम थ्री इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस रिलीजियस एंड ह्यूमेनिस्ट जो कि एम्फसाइज करते हैं ह्यूमन लाइफ की वैल्यूज पर और साथ ही साथ महत्व देते हैं कंपैशन एंड फोगेवनेस को इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट सेकेंड वी हैव इज फेमस्ट ट्रेडिशन्स जो इस बात पर जोर देती है कि कैसे जेंडर पावर एंड इनइॉलिटी लोगों के क्राइम एंड जस्टिस के अनुभव को प्रभावित करती है एंड द लास्ट वी हैव इज क्रिटिकल ट्रेडिशन द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी लुक्स एट वोलेंस इज टू कंसीडर कैपिटल पनिशमेंट सो कैपिटल पनिशमेंट एक ऐसा एग्जाम्पल है कि कैसे ट्रेडिशनल अप्रोचेज टू क्रिमिनोलॉजी ने पनिशमेंट और रिट्रीब्यूशन दैट इज प्रतिशोध पर फोकस किया है राधा दान नॉन नॉन वायलेंट मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और जो पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी है वो कैपिटल पनिशमेंट को एक वॉइलेंट और इनइफेक्टिव तरीके से देखता है टू एड्रेस क्राइम एंड वो ऐसे रिस्टोरेव जस्टिस प्रैक्टिस को प्रोमोट करता है जो कि विक्टिम एज वेल एज ऑफेंडर दोनों को ही हील करे रिपेयर करे सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी नॉ लेट्स मूव ऑन टू पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी इज अ रिजेक्शन ऑफ मॉडर्न थ्योरी तो ये जो पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी है ये मॉडर्न थ्योरी का रिजेक्शन है जो कि अपराधियों को दंड देने के लिए प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करता है

वेब होता है सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस का जो जटिल तरीकों से परस्पर क्रियाशील होते हैं टू फुल्ली अंडरस्टैंड कि आखिर एक व्यक्ति क्राइम क्यों कमिट करेगा हमें उसकी जीवन शैली से संबंधित बड़े सामाजिक संदर्भों की जांच करनी चाहिए ना कि उसके इंडिविजुअल कैरेक्टरस्टिक्स या बिहेवियर की नेक्स्ट वी हैव इज फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी एम ऑफ फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी इज टू फोकस ऑन रिसर्च रिलेटेड टू वेमेन गर्ल्स एंड क्राइम स्कोप इंक्लूड रिसर्च ऑन वेमेन वर्किंग इन द क्रिमिनल जस्टिस प्रोफेशन वेमेन एज ऑफेंडर्स एंड हाउ दे आर डेल्ट विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सो फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी बेसिकली क्राइम एंड जेंडर के इंटरसेक्शन को एग्जामिन करता है और जो इसका मेन एम होता है दैट इज टू कंडक्ट रिसर्च रिलेटेड टू वन गर्ल्स एंड क्राइम इसमें विमेन जो कि विक्टिम्स हैं या फिर ऑफेंडर्स हैं या प्रोफेशनल वर्कर्स हैं इनके अनुभवों का अध्ययन करना भी शामिल होता है एडिशनली दिस अप्रोच ऑल्सो सजेस्ट कि जो ऐसी रिसर्च होती है जो कि मेल एंड फीमेल को समान मानती है वह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में महिलाओं के यूनिक एक्सपीरियंसिस को पूरी तरह से पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकती है और विमेन के बीच क्रिमिनल बिहेवियर को बढ़ावा देने के वाले फैक्टर्स को समझने के लिए जेंडर बेस्ड पर्सपेक्टिव की आवश्यकता होती है सो दिस वॉज ऑल फॉर लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग